गाई वेलकम बैक टू माई चैनल एस प्रॉमस दिस इज गोइंग टू बी ए पार्ट टू ऑफ माई बैग कलेक्शन सो थैंक यू सो मच मेरे फर्स्ट वीडियो को ज्यादा अप्रीशिएट भी नहीं बोलना आ रहा अप्रीशिएट करने के लिए पसंद करने के लिए दैस फॉर वैसे ही वाला वीडियो मैंने पहले ही शूट कर लिया था एनी उस वाला वीडियो लंबा हो रहा था ना क्या करूँ सो इस वीडियो में हम देखने वाले डिफरेंट वराइटी के बैग डिफरेंट कलर्स के बैग सो या इन्जॉय दिस वीडियो लेकिन उससे पहले अगर कुछ भी ऑनलाइन लिंक्स या फिर कुछ भी बैग की अवेलेबिलिटी मुझे मिलती है बैग्स मुझे मिलते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन तो आई विल लीव ऑल द डिटेल्स ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको चेकआउट करना बिल्कुल ना भूले नाउ लेट्स started. Now let's quickly move on to the next category of the bags, जो कि है backpacks की and मेरे पास limited ही हैं ये तो अपन जल्दी जल्दी switch करने वाले हैं ठीक है so this one I like powder blue color का this backpack very cute looking backpack I got from Mini so इसका tag भी भी लगा पड़ा है आई थिंक टाइम हो गया है इसको लिए हुए बट मैंने बताया ना आई एम नॉट अ बैक पैक कैंड ऑफ आफ पर्सन मुझे वो समझ में थोड़ा सा कम आते हैं आई गॉट दिस ऑन फिफ्टी परसेंट ऑफ इसका प्राइजेस सेवन हंड्रेड नाइन एट no, हंड्रेड रुपीज़ सेवन नाइन्टी का अगर इसमें गोल्डन चेन uh, आपको मिलती है एंड यहाँ पर आपको ये साइड जिप्स भी मिलती हैं साइड में आपको चेन्स भी मिलती हैं एंड इस तरीके का इसमें स्पेस है uh, आपको थिंक स्लिंग भी मिलता है या ओ रियली नाइस मतलब आपको उस, आप उसको एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो नाइस नेक्स्ट टाइम आई हैव दिस वन फ्राम फैक्ट्री एंड गॉर्ड इट फॉर टू फिफ्टी रुपीज़ फ्राम नॉट रॉन्ग और मैंने गर्ल से दो ऑर्डर कर दिए थे इसके दिस इज इन लाइट बहुत ही सॉफ्ट पिंक कलर में मटीरियल ऑल दो इतना क्वालिटी थी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट दैन आप क्या एक्सपेक्ट कर पाओगे टू फिफ्टी रुपीज़ में सो इट्स लाइक दैट आई रियली लाइक दिस अगेन मैं इसको अभी तक मैंने कैरी नहीं किया है कहीं पर भी मैं यूज़ नहीं कर पाई हूँ इसको बट ठीक है नाइस वन लुक हाउ क्यूट इट इज़ अगेन दिस इज़ माई रिसन परचेज फ्रॉम शेन आई रूल लाइक द कलर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बैग इट्स मेड आउट ऑफ जूट लाइक वैसा वाला कुछ मटीरियल है इसका आई गॉट इट फॉर लाइक यू नो अभी कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब कर दी हैं फॉर ऑब्वियस रीजनस और मैंने इसको बहुत डिफरेंट चीज़ों को सोच के लिया था बट हाँ ठीक है आई हैव दिस नाउ एंड यहाँ पे आपको ये पर्ल मिलता है पर्ल हैंगिंग मिलती है ऑन द चेन है ना कि यहाँ पर गोल्डन हार्डवेयर मिलता है एंड अंदर आपको ये कुछ इस तरीके के स्ट्रैप्स मिलते हैं आई लव दिस बैग लविंग पावर टू कैरी दिस नाव हमको कैटेगरीज चेंज करने वाले हैं सो so, यहाँ पे है ही मेरे पास मार्बल प्रिंट में दिस बॉक्स बैग लाइक इट्स लाइक अ बॉक्स एंड इस तरीके से ओपन होता है ना अभी मैं आपको कुछ बैग जो भी दिखाने वाली हूँ उनको आप एज अ क्लच या फिर

डिफरेंट है मैं एक्चुअली इसको ज्वेलरी स्टोर करने के लिए रखने वाली हूँ बिकॉज ऐसा बैग प्रैक्टिकल नहीं लगता है ऐसे बैग को कैरी करना एंड यहाँ पे आपको दो तरीके के लाइक like, कंपार्टमेंट्स मिलते हैं सो so, यहाँ पे और यहाँ पे भी आपको चेन मिलती है तो आप इसको दोनों तरीके से कैरी कर सकते हो राइट सो इट ओपन फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज फ्रॉम दिस साइड हम अब चल रहे हैं प्रॉपर जो क्लचेस होते हैं ना उन पे सो so, ये वाला है फर्स्ट क्लच ये मैंने एक्चुअली इंगेजमेंट पे कैरी किया था आई रियली लाइक द वर्क लाइक यू नो स्टोन वर्क ऑन दिस बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया हुआ है इट लुक्स वेरी प्रीमियम लुक्स लग्जोरियस एंड बहुत ही अच्छा लगता है ये बैग एंड यू हैव दिस चेन अगेन आप उसको दोनों तरीके से कैरी कर सकते हो सो सिमिलर टू दिस वन आई हैव वन मोर क्लच विच हैज लाइक यू नो लाइलैक स्टोन प्रिंट्स ऑन इट एंड अगेन यू नो दिस क्यूट स्लीक सा बॉर्डर नॉट क्यूट बट स्लीक सा बॉर्डर एंड दैट इज हाउ इट ओपन्स लेट मी सी ओके सो वी वज जस्ट ट्राइंग क्योंकि मैंने अभी अभी ही इसको अनपैक किया था एंड यू गैट चेन विद दिस एंड दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक रियली नाइस एंड आप इसको रिसेप्शन पार्टीज़ या फिर वेडिंग्स वगैरह में बहुत ही अच्छे से कैरी कर पाओगे एंड आई रियली लाइक द ओवरऑल लुक ऑफ दिस बैग

और बहुत ज़्यादा गॉडी भी नहीं है एंड इट लुक्स रियली नाइस ओके सो दिस वन इज़ यर टर्न आद वेडिंग अप्रोप्रिएट लाइक प्लस थोड़ा सा फेस्टिव वाइप टाइप का क्लच इट लुक्स लाइक आई थिंक दैट हैज़ गोल्डन टच टू इट आई थिंक वो हर तरीके से आपके इंडियन अटायर के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुली जाता है

i really like how classy it is look at this really nice i have this uh, clutch i got it from sheen um, sometime back and uh, again you have chain with it लुक्स लाइक दिस दिस थिंग इज वेलवेटी इट फील्स सुपर सॉफ्ट लाइक यू नो रियली 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 क्लासी पीस यू नोवाइज वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्लॉचेज बट यहाँ पर मेरे पास है ये ग्रीन कलर का क्लॉच विच इज़ लाइक यू नो फिलेंड्रिकल शेप है इसकी कुछ इस तरीके की एंड यू गैट दिस टैसल लाइक गोल्डन टैसल चेन टैसल यूवन कॉल इट और इसमें अगेन आपको चेन मिलती है सो That दैट इज़ हाउ इट लुक्स लाइक इट्स रियली गुड something again all white all black usme as a उसमें bahut अ क्लासी बहुत ज़्यादा piece अ क्लासी पीस आप यू you नो know, ले सकते हो इसको एंड um, आपके इंडियन अटायल के साथ बहुत अच्छे से जाने वाला है Next up I have हैव दिस बैग राइट येयर आई मीन इट्स अ क्लच इसमें आपको दोनों तरीके से अगेन कैरी uh, करने का ऑप्शन है यू हैव दिस वर्ल्ड की लाइक हैंडल एंड देन यू also गेट चीन विद डेट मैंने बहुत सारे ऐसे पर्स हैं जिनको मैंने अभी रिसेंटली ही uh, लिया है और मैं इनको कहीं पर भी नहीं ले जा पाई हूँ बिकॉज इट्स बिन मोर देन टू मंथ्स वी आर पैंट घरों में ही सो या वेरी क्लासी वेरी क्लासी राइट सो इफ वट टॉक अबाउट बम बैग्स टू मे पस आई जस्ट हैव दिस वन सो ये है ब्लैक कलर में आई गॉ दिस फ्रॉम शेन आई थिंक लॉन्ग बैग दो तीन साल हो गए हैं इसको एंड यू गैट दिस बेल्ट राइट मैंने इसको यहाँ पे वेयर करके लाइक ऑब्वियसली फॉर शीन हॉल्स आई स्टाइल दिस वे वन ऑफ माई ब्लैक पैंट्स एंड येलो टॉप्स लुक्स नाइस बट आई रियली डोंट लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ बैग्स बट हाँ एक दो कलेक्शन में तो होना चाहिए नेक्स्ट अप आई हैव दिस राउंड शेप्ड जूट सो दिस मेड आउट ऑफ जूट एंड लुक्स रियली नाइस इफ़ यू गो आउट फॉर वेकेशन एंड ऑल इफ़ यू गो टू गोवा यू नो बहुत ही सही लगने वाला है बीच साइड फोटोज बहुत ही सही आती हैं इसमें आई ऑर्डर दिस रिसेंटली लाइक फ्रॉम शीन

प्रॉपर राउंड बट हाँ इट्स अ डिफरेंट बैग लेकिन ये इंडियन आउट्स के साथ में बहुत ही अच्छा लगता है दिस वन इज़ फ्रॉम शीन नो दिस वन इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड आई रिलक द क्वालिटी ऑफ़ यू नो दिस काइंड ऑफ बैग्स फ्राम शीन बिकॉज वहाँ से मैंने कुछ एक मैथ्स वगैरह भी मंगाए हैं एंड दे आर सुपर क्वालिटी वाइज प्राइज वाइज तो आप डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए बट नॉट नाउ वोकल नहीं लोकल वोकल राइट सो इंडिया में भी आपको मिल जाएंगी ऐसी चीज़ें

नेक्स्ट अप आई हैव दिस वन जो कि इंडियन अटैक है साथ में बहुत ही अच्छा लगने वाला है ऐसा कौन सा वाला लॉक बोलते हैं इसको लाइक पुराने जो नहीं थे ओल्ड लाइक यू you नो know, ओ ओ ओ ओल्ड पैटर्न के जो बैग्स आते थे उनमें आता था, था लिप्स टाइप का ऐसा जो लॉक बोलते हैं इसको यू गैट दिस चेन लाइक गोल्डन चेन विद रियली नाइस इसमें आपके असेंशियल तो डेफिनेटली आप कैरी कर पाओगे आराम से नेक्स्ट आई वन मोस् एचल बैग विच इज वाइट इन कलर इसमें भी अगेन मैंने स्टफिंग रखी हुई है एक्चुअली मैंने लास्ट इवेंट में गई थी उसी में कैरी किया था आई थिंक आई एम येट टू एड दैट वीडियो सो वाला चीज़ का नहीं है यहाँ पे यू गेट दस यू नो स्नक पैटर्न स्नक है फ्रोट क्रॉक पैटर्न है यहाँ पे एंड दर आउट लुक्स लाइक इसमें आपके अगेन असेंशल्स कैरी कर पाओगे आप फोन हो गया सम पीपल्स लाइक लिपस्टिक इन माई केस वी हैव लाइकेंट कैटेगरीज मेरे पास एक्चुअली एक ही बैग था इस टाइप का इट्स अटालिक पाउच जो कि ट्रैवल के लिए बहुत ज्यादा सही है आई रिसली गॉट दिस फ्रॉम शीन इट हैज मेटालिक फिनिश टू दिस एंड इज रियली गुड टू कीप योर हेयर एंड स्किन केयर आई थिंक फॉर ट्रैवल पर्पज ऑल्सो यू गट अ स्लिंग सो आपको एज अ स्लिंग बैग भी कैरी कर सकते हो अब बहुत जल्दी जल्दी से कटेगरीज चेंज होनी है बैग्स की राइट सो नेक्स्ट ऑफ वी हैव स्टोर्ड बैग ये भी अगेन मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है आई डोंट ओन टू मच ऑफ दिस लेकिन हाँ दिस आई रियली लाइक सो मच इट्स स्टैंड इन कलर एंड देन यू हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रैप्स विच आर लाइक यू नो एडजस्टेबल उसको एडजस्ट भी कर सकते हो एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दट यू नो दिस टोर बैग कम्स विद अ चेन राइट तो यहाँ पर आपको जिपर मिलता है फॉर लाइक सिक्योरिटी पर्पज है ना रियली लाइक खुले में सामान डाल दो ऐसा थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं कुछ इधर उधर ना हो जाए है ना एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं सो दैट्स वन एंड यू हैव लाइक यू नो स्लिंग लाइक स्लिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे अगेन आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो रियली लाइक दिस वन बट इसके टोटली अपोजिट आई हैव दिस टोर बैग विच इज़ फ्रम शीन एंड इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जिप्ट मिलती है एंड दीज दीज काइंडगज आर रियली गुड फॉर लाइक यू नो शॉपिंग पर्पज आम लुकिंग फाउट टू कैरी दिज राउंड इसको मैंने ऑलरेडी मेरे एक दो शॉपिंग वीडियोज में शो um, किया हुआ है आई थिंक मैंशन किया हुआ है राइट नाइस सिमिलर टू टोड बैक हेटेगरी आई हैो बैग विच इज़ ब्लैक लाइक यू नो शाइनी ब्लैक इसकी फिनिश है डेज इज गोल्डन स्ट्रैप टू इट नॉट प्रॉपर गोल्डन लेकिन हाँ इसमें ब्लैक का भी हिंट दिया हुआ है लाइक इट्स टू बिग आई फील लाइक मुझे इस तरीके के बैग थोड़े से कम समझ में आते हैं आई माइट गिव दिस टू माई मॉम काम आ जाएगा उनको बिकॉज बहुत सारा सामान रखना होता है ना कभी कभी या फिर भाभी को भी है ना सो so दिस this... व वन वो हैंड बैग जो कि है टैन कलर में एंड um, यहाँ पे आपको ये लाइक uh, फ्लैप like, दिख रहा होगा इट्स ऑफ नो यूज़ सो कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं लाइक यू नो जो कि प्रैक्टिकल uh, मतलब समझ में नहीं आती दीज आर नॉट फंक्शनल राइट सो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही जिप मिलती है एंड यू हैव लाइक यू नो कुछ कंपार्टमेंट्स यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बहुत ही सही तरीके से ये पड़ा हुआ है उसका uh, स्लिंग तो ये मैंने आज तक कैरी नहीं किया है इस बैग को आई गॉड फम नॉट हॉन्ग आई गॉट डिसम शीन तो मैंने ये बैग इसके कलर को देख के लिया था एंड आर रिली लाइक दिस स्ल थिंग विच इज़ ह्यूअर लाइक इस तरीके का है यहाँ पर कुछ और भी है वेट सो ओके 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 कुछ ऐसा है ये सो so, यहाँ पे डिफरेंट तरीके से एक बो की तरह आप इसको टाई करते हो दैट इट कम्स हियर सो इट लुक्स रियली नाइस आप इसको इस तरीके से भी प्लस यहाँ पे आपको स्लिंग दिया हुआ है विच इज लाइक क्वाइट ब्रॉड स्ट्रैप तो आप इसको दोनों तरीके से कैरी कर सकते हो ये लाइक फॉर शॉपिंग पर्पज आई थिंक बहुत अच्छा है अगर आप बहुत इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल कैरिंग लाइक बहुत सारा बहुत बड़ा बैग देन आई थिंक ये काफी सही रहेगा ऑफिस पर्पज के लिए भी काफी अच्छा है इफ एम नॉट रॉन्ग मैंने ऑफिस में भी कुछ टाइम तक कैरी किया था रियली लाइक द कलर आई टोटली लव यू नो वेरिंग दीज कलर्स एंड आई हैड वन बैग जो कि एलन सोली का था so, सो वो बिल्कुल इसी कलर का था टोटली 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 लव दिस कलर ओके सो आई हैव वन मोर बैग जो कि सेट में आता है सो यू सी ऑन शीन देर आर लाइक यू नो कॉम्बोज वेर एन यूर यू हैव लाइक यू नो थ्री टू फोर फाइव बैग्स का ऑप्शन तो इसमें अगेन आपको छोटे छोटे पाउचेस मिल जाएंगे इसकी इसी के ही लाइक देर आर जस्ट सब पार्ट ऑफ दिस बैग सो इस तरीके का है ये कलर एंड इट हैज़ इज़ यू नो वेरी इंडियन टच का प्रिंट तो ये यू हैव दिस जिप एंड इसको ओपन करते ही यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी नाउ आई रियली लाइक इनको आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हो इफ इन केस यू हैव लाइक यू नो बहुत ही थोड़ा सा लिमिटेड मेकअप देन ये डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हो आप इसको सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो तो आई हैव लाइक यू नो थ्री फोर पाउचेस इसमें आपको ये स्ट्रैप भी मिलता है विच इज़ यू नो सेम एज द स्ट्रैप विच इज़ हेयर ऑन दिस बैग एंड या दैट्स ऑल आई मीन सेकेंड लास्ट बैग जो है वो है ये रफल्स नॉट राफल्स बट टैसल्स आई थिंक टैसल बोल दो राफल्स बोल दो आई थिंक राफल पैटर्न है और यहाँ पे आपको ये ब्रेडेड स्ट्रैप मिलता है इसके साथ में इट स्टैंड कलॉ आई रिली लाइक कि इस तरीके के बैग्स जैसे आप वेकेशन वगैरह पे जाते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं बट uh, जब ये टैसल्स में टैगल्स आ जाते हैं ना तो आई रियली हिट और उसके बाद में फिर इनको uh, सही करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आई डोंट रियली कैरी दिस अराउंड एंड इसके लिए आपको डेफिनेटली बाहर ही जाना पड़ेगा ना सिटी साइड में शूट में जा रहे हो तो ये थोड़ी लेके जा सकते हो कमॉन So yeah that's like it's a different bag like it's a different kind of a bag and lastly I have this bag right here which is my recent purchase from Shein and um, it has this you know monochrome finish to this bag on Shein you'll have tons of variety when it comes to like you know this transparent and these monochrome uh, monochrome finished bags. <laughs> यू ऑल्सो गेट दिस cute little पाउच तो मुझे ये पाउच वाला ज़्यादा अच्छा लगा वरना क्या होता है अगर ट्रांसपेरेंट भी है और तो चलो ठीक इस है इसमें पाउच वाला ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट होता और पाउच भी नहीं होता वरना जो भी आप उसमें कैरी कर हो तो वो साफ दिख जाता है विच वी डोंट वॉन्ट एंड यहाँ पे ये पाउच है तो इसको आप अलग से भी यूज़ कर सकते हो इसमें भी आपको एक स्लिंग दिया हुआ है यहाँ पर आपको स्लिंग भी मिलता है स्लिंग के साथ भी आप उसको कैरी कर सकते हो बिकॉज आई कैन सी दीज हुक्स राइट हेयर एंड ऐसे हैंडल हैं इसके आई रियली लाइक दिस